गाइस अगले 24 घंटे हम लोग बिताने वाले हैं सुपर बाइक्स पे। गाइस यहां पर हमारे पास में 3 बाइक्स और हम लोग अगले 24 घंटे के लिए करने वाले हैं 24 आवर्स ऑन सुपर बाइक चैलेंज। यानी कि अगले 24 घंटे हम बाइक को छोड़ करके नहीं जा सकते। जो करना है बाइक से करना है, जहां जाना है बाइक से जाना है, जो खाना है बाइक पे खाना है, सोने वगैरह का सिस्टम थोड़ा सा देखना पड़ेगा। गाइस यहां पर हमारे पास में FZ यामा की, यहां पर यामा MT15 और यहां पर है गाइस आप सभी की फेवरेट और हमारी जबरदस्त दमदार पावरफुल कावासाकी निंजा ZX10R। गाइस ये जो बाइक है ये हवा से बातें करने वाली बाइक है और वो जो बाइक्स है वो अपने आप में एक मिनी स्पोर्ट्स बाइक है। तो देखते हैं कि अगले 24 घंटे हम लोग किस तरीके से बाइक पर बिता पाएंगे। गाइस ये जो चैलेंज है मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने भी किया है और हमें कोई आइडिया नहीं है कि अगले 24 घंटे हम इसके ऊपर कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या होता है, फटाफट से शुरू करते हैं। सब लोग वीडियो के लिए लाइक कमेंट जरूर से दबा देना। गाइज बाइक के साथ में हेलमेट सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज नहीं भाई, अपने अपने हेलमेट पहन लो। और यहाँ पर हम 3 लोग नहीं होंगे ये भी रहेगा और 3 बाइक्स है तो एक जो बंदा है बबलू वो भटकता रहेगा, वो जिसके भी पास चाहे बैठ सकता है, चश्मा लगा लेता। वैसे गाइज इसके अंदर ये वाइजर भी है ऐसे ऊपर नीचे होने वाला, मस्त है ना गाइज। लाइक बनता है वीडियो के लिए। गाइज रेडी हो सब लोग? चलो बैठो। तो गाइज हमारा टाइम स्टार्ट होता है अब। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और पता है गाइस इस चैलेंज के अंदर एक मजेदार चीज ये भी होगी कि क्या पब्लिक रिएक्शंस आते हैं सुपर बाइक को देख के। गाइस ये जो बाइक है ये है 1000cc की निंजा ZX10R जिसकी जो टॉप स्पीड है गाइस वो इस बाइक की जाती है लगभग 325 किलोमीटर प्रति घंटा की। एवरेज बाइक देती है लगभग 10-12 की, हमें तो इतनी ही मिल रही है गाइस इससे। चलो भाई करते हैं शुरू। करो इसको। अरे बाबा दोस्तों हमारा कैमरा क्रू हमारे साथ रहेगा जो कि पीछे गाड़ी में आएगा और ये लोग हमारी रिकॉर्डिंग भी करेंगे क्योंकि हम बाइक पे रहेंगे गाइस। दोस्तों हम लोग अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर आ चुके हैं और अभी हमारी जो गाड़ी है वो आ रही है, इसलिए हम 1 मिनट रुक गए क्योंकि हम लोग तो निकल गए थे लेकिन वो लोग अभी गाड़ी में बैठे हैं, वो शूट कर रहे थे तो वो आ रहे हैं, उनको साथ में लेके चलना पड़ेगा भाई। भाई मेरी गाड़ी की टंकी जो है उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा मुझे और भाई मुझे पता नहीं कि वो फुल करने में कितना पेट्रोल आएगा, कितने रुपए का वो भी देख लेते हैं अभी। और ये हो गया गाइस, भाई के चैनल को फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब करो भाई सब्सक्राइब। हम लोग लगभग 10-12 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं।
पे आओगा। तो गाइस हम लोग यहाँ पर रुके हैं चाय पीने के लिए और काफ़ी दूर गाइस चल चुके हैं, लोग देख रहे हैं, लोग पागल हो जाते, फिर बोलते हैं कि आवाज़ सुनाओ, इसकी आवाज़ सुनाओ। और लगभग हमको डेढ़ घंटा जो है हो चुका है, एक घंटे से ऊपर हो चुका है। यहाँ पे बाइक खड़ी है, आप लोग देख सकते हो, और तीनों बाइकें यहाँ पे खड़े हुए हैं। हमारा कोई भी जो चैलेंज है वो बिना चाय के तो बिल्कुल नहीं निकलता, तो ये वाला कैसे निकलेगा गाइस, इसमें भी चाय आएगी। गाड़ी तगड़ी आ रही है तो 2.5 लाख रुपए की ना था, 18 लाख की दिया। 18 लाख की? अरे यारो मारुति आऊंगा 18 लाख। और ताऊ कह रहे थे कि 2-2.5 लाख की आती होगी भाई कम से कम, का नहीं ताऊ 18 लाख की है। ताऊ जी शौक पीछे गाइस चाय पी चुके हैं, अब जो है वापस से अपनी जर्नी को करते हैं कंटिन्यू। बाइक खड़ी है यहाँ पे, बहुत सारे लोग आ चुके हैं बाइक को देखने और देख के जा चुके हैं। भाई वो लोग लड़ाई कर रहे हैं। तो गाइस काफी दूर फिर से चलने के बाद में हम लोग रुक चुके हैं। और क्यों लड़ रहे हो भाई, कोल्ड ड्रिंक किस पे बिखेर दी भाई? यार गाइस अब समझ में आ रहा है, ये बाइक देखने में तो बहुत प्यारी लगती है लेकिन ये इतना भयंकर थकाती है, क्योंकि इसके ऊपर जो राइडिंग पोजीशन है ना वो बहुत अजीब होता है, इंसान ऐसे होके बैठता है पूरा झुक के। अभी हम एक पेड़ की छाया में रुके हैं भाई, 5 मिनट मेरे को रेस्ट चाहिए यार। और अंकित देखो क्या कुछ करने गया है वहाँ पे। तो गाइस ये तो कुछ नहीं कर रहा था यार, मैं तो बड़ा चुपचाप से आया, सुसु करने आया था मैं। कर 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 हम आया ऐसे थोड़ी कर। अरे चैलेंज है भाई, सबको दिखाना पड़ेगा। तो गाइस अब जो है आपके सामने एक कैमरा, दो कैमरा यहाँ पर है, मैं इस वाले में कुछ भी नहीं बोल पाया, उसका रीजन था गाइस, और रीजन ये था कि जब हम बाइक पे चल रहे थे ना तो ऐसे ऐसे होता रहता है, और इस हाथ से मुझे रेस भी देना है तो कैमरा ऐसे होता रहता है, तो पॉसिबल नहीं हो पाता कुल मिला के। और हमने लगभग 90-100 किलोमीटर कवर किया। जो रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब आ गया है और इस पे ही हमको चलना पड़ रहा है गाइस। दोस्तों आप कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, ये लोग यहाँ खड़े हुए हैं और ड्रोन उड़ाया है जस्ट। तो ये भाई जो है ये ट्रक रोक के वहाँ ट्रक खड़ा करके आए हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? फोटो लेनी है आपको। क्या हो गया अंकित? कुमार आता है इसको इधर इंस्टेंट। अरे यार उठा बबलू भाई, इसके इंजन, अरे इंजन नहीं, टेम्परेचर वार्निंग है। अरे यार अरे ब्रेक पे नहीं दबा रखे इसने। और गाइस अब जो है वापस से रोड पे आ चुके हैं
और हमने रोड के ऊपर कोई भी स्टंट नहीं किया भाई। भाई हालत तो मेरी भी यही हो रखी थी, लेकिन अब मेरा थोड़ा सा सही हो गया मामला। उठ यार मोहित, मोहित उठ यार, उठ उठ जा, चलो। और भाई हमें मिल गए छोटे छोटे दोस्त। भाई क्या नाम आपका? क्या लग रहा है? बहुत खराब भाई। हम लोग को चलते हुए लगभग 5 घंटे हो चुके हैं और हमारे चैलेंज के 19 घंटे और बाकी हैं। अभी तो रात भी आएगी बीच में, और 5 घंटे में यार हमने तो मतलब ये बाइक ने हमें थका दिया यार। भाई साहब पानी मिल जाएगा ओके? क्या पकड़ रखा बर्मा सो नहीं था किसी भाई? क्या जबरदस्त है भाई, पूरा रेगिस्तान जैसा माहौल है। यहाँ पर हमने पानी पिया। भाई भूख लगी है थोड़ी सी, कुछ खाना है। अमित लिया आया, मैं देखते हुए जान गया। अमित सही से देखो, कई लोगों ने बोला ऐसा। हां अमित हां वही हो, मैं जान गया हूं, मैं चला के ही जान गया था। छोड़ो भाई, पनीर पे कॉन्सेंट्रेट करो। और भाई शाम हो चुकी है, हमको लगभग 7 घंटे हो चुके हैं इस चैलेंज में, और अब जो बाइक मैंने उधार ली हुई थी लोगों से अभी तक, वो उधारी लौटाने का समय आ गया है। तो भाई अमित भाई अब चलाएंगे MT और मोहित अपनी FZ, और भाई मैं चलाऊंगा निंजा। भाई मैं निंजा चलाऊंगा। क्या अंकल है? अच्छा अभी चला के दिखाते हैं आपको। अंकल आपने और कुछ भी बोला था? क्या ऐसे बोला था? 100 रुपए दूंगा ये बाइक चला लेने तो। अंकल पानी की प्यास लग रही है बहुत ज्यादा। ZXNR चलाने के बाद में ये जो है कुछ लगी नहीं रही है, ऐसा लग रहा है कि पावर ही खत्म हो गया। गाइस हमको हो चुके हैं पूरे 7 घंटे बाइक्स पे घूमते हुए, और अब जो चैलेंज है वो और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। 17 घंटे चैलेंज में बचे हैं, और अब होगी पूरी रात और कल का दिन, और अब हम लोग अपनी बाइक्स को छोड़ नहीं सकते हैं। अब तक हम लोग बाइक से उतर भी जा रहे थे, लेकिन अब 1/3 2/3 पार्ट के लिए अभी जो है 2 हिस्से बचे हुए हैं 3 में से चैलेंज के, उसके लिए हम बाइक से उतर नहीं सकते। उतरते भी हैं तो हमारे शरीर का कोई ना कोई हिस्सा बाइक से टच जरूर होना चाहिए, हम बाइक से दूर नहीं जा सकते हैं। अब याद रखना, अगर कोई भी उतर गया ना तो चैलेंज से बाहर है वो। अगर कोई एक बंदा भी हिला तो गाइस वो चैलेंज से बाहर हो जाएगा। भाई हम लोग पहुंच चुके हैं विराट नगर। विराट नगर वही जगह है जो महाभारत में, जो विराट नगर था उनको बैराट भी बोलते हैं, जहाँ पर पांडव रुके थे अज्ञातवास में। 3 गिलास बना दो, 3 गिलास बिना बर्फ के। गन्ने का जूस पी लेते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी और अभी काम चल जाएगा। लो भाई साहब थैंक यू। तो गाइस अब हम लोग चढ़ने वाले हैं हाईवे पे, नेशनल हाईवे नंबर 8 पे। हम लोग पूरा रास्ता तय करके आ चुके हैं यहाँ पे, बगल में हाईवे है इस पे चलते हैं। ये रास्ता जाता है जयपुर, और भाई ये जो बाइक है वास्तव में काफ़ी हल्की है इसके कंपैरिजन में। इस पे हालत ख़राब हो जाती है, मज़ा ज़रूर आता है, ये वाली फिर भी रिलैक्स चलती है, लेकिन इस पे बैठे बैठे गाइस नीचे दर्द हो गया है सही बताऊँ तो, और कमर में दर्द हो रहा है, सबसे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऐसी थकान हो गई है, पता नहीं क्या काम कर लिया है, बस करे जा रहे हैं, ऐसा मन कर रहा है बस यहाँ पर भाई बैठ जाएं। चलो गाइस चलते हैं। और गाइस अगर टाइम की बात करें अभी तो 9:42 हो रखा है फिलहाल, आप लोग देख सकते हो 9:42 हो रखा है। मैंने रात को ज्यादा बाइक नहीं चलाई हाईवे पे, लेकिन आज चला रहे हैं भाई। My pocket's just no ween running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that. और भाई हम लोग अभी जयपुर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है, हाईवे पे चल रहे हैं और अलग ही मजा आ रहा है। तो भाई हम लोग आ चुके हैं एक ढाबे पे, उनसे पहले वो लोग पीछे हैं,
और अभी उनका वेट कर रहे हैं, कुछ खाना पानी बनवाया है उनको, बस यहाँ पे रोकना पड़ेगा। लाल कपड़ा दिखाओ उसको, सिग्नल निकाल दे इसको। हाँ आवाज आ गई। क्या बना रहे हैं? खाना बनवा रहे हैं। क्या बना रहे हैं यहाँ भाई? एकदम फ्रेश मिलती है दाल फ्राई, सेव, टमाटर। पहले बहुत इजी था, लेकिन जब से ये चीज़ हुई है कि बाइक को नहीं छोड़ना, हमको लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं, हमने बाइक से अपना हाथ पैर कुछ ना कुछ छू के ही रखा हुआ है। गाइस खाना आ चुका है यहाँ पे, और मैं देखो अपनी बाइक से अभी भी टच हूँ। सब लोग टच है। ये है बबलू के लिए। Back in that bag again. Whoa, whoa. Oh, say less. I'm back in that bag again. Yeah, yeah. तो भाई जयपुर काफी इधर उधर भटकने घूमने के बाद में अब हम बहुत ही ज्यादा थक गए हैं। रात के 2 बज चुके हैं और भाई अब बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही, हर जगह जो है दर्द हो गया है सब कुछ, और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब नींद आ रही है और अब रिस्क हो जाएगा अगर बाइक हम और चलाएंगे। भाई बिल्कुल नहीं चला सकते, सोने कोई ऑप्शन नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि इस बाइक के ऊपर ही सो जाऊं क्या, कुछ ऐसे करके। भाई इस पे ले लो नींद जो ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत ज़्यादा। इस पे ऐसे करके लेट सकते हैं क्या? अरे यार इसकी सीट वैसे ही बहुत ज़्यादा छोटी है। नहीं यार ऐसे तो नहीं सो पाएंगे। इसको बेड बनाने की कोशिश कर, और सही है पर ये गिर ना जाए यार रात को। भाई मेरे को अगर आधे एक घंटे भी नींद आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा यार। मेरे को फर्क ही नहीं पड़ रहा आवाज़ से कुछ भी, क्योंकि इतना ज़्यादा अब हिम्मत ही नहीं है हिलने की। भाई हेलमेट पहन के ही सो जाता हूँ। तकिया काम कर, अरे हाँ तकिया काम करेगा, खुला है मेरा वाला तो। तो भाई इसे बोलते हैं थकान। ये वो लोग हैं जिनको गद्दे पे नींद नहीं आती यार भाई। और भाई अंकित पड़ा है नीचे और यहाँ पे है एक पौवा। भाई ये है ज्यादा पीने का नतीजा, ये पौवा पी के पड़ा है। किसने क्या डाला? एक काम कर दो यार भाई। हाँ वो लाइट बंद करवा दो यार। तो ठीक है हम जाए फिर। जाए कहा, तुम यही बैठ जाओ। नहीं हम तो सोएंगे, हम हमारा थोड़ी चैलेंज चल रहा है। गाइस ये नहीं सोचा था ये होगा, सिंगल स्टैंड पे खड़ी थी गाड़ी और भाई सोते सोते नीचे गिर गई। अब अच्छी बात ये हुई है, मैं पकड़ के रखता हूँ इसको, कि ये जो गैप है, ये जो जगह है, इसमें मेरे पैर घुस गए और मैं इसकी वजह से बच गया, नहीं तो मेरे पैर के ऊपर भी गिर सकती थी। बाइक अभी पड़ी हुई, मैंने ऐसे छोड़ी तो नहीं है, लेकिन भाई ये नहीं पता था ये भी होने वाला है यार। और क्या क्या होगा इसमें? भाई कोई नहीं है यहाँ पे, ये लोग भी जा चुके हैं। अरे इसको उठाऊं कैसे यार अब मैं? भाई बाइक पड़ी हुई है, उल्टी पड़ी हुई है, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही यार। मच्छर खा रहे हैं और मैं तब से इन सबको देख रहा हूँ कि यार ये कैसे सो रहे हैं। अब तो ये बाइक भी चुभने लग गई। मैं तो मुश्किल से आधा घंटा सो पाया हूँ भाई। पता है इतनी बुरी हालत हो रखी है, मैं नीचे जमीन पे सो तो रहा हूँ लेकिन एक तो मच्छर है और जो पत्थर है ना ये चुभ रहे हैं मुझे बहुत ज्यादा। भाई मैं तो इसी पे सोता हूँ यार, अपनी बाइक पे ही चलता हूँ मैं तो, अपनी बाइक पे सोता हूँ भाई। मेरे को 1.5 घंटे के आसपास नींद आई है, मैंने टाइम देखा है, लेकिन यार 1.5 घंटे की नींद इनफ नहीं है भाई। भाई यहाँ पे चाय की दुकान है। तो भाई पेट्रोल लगभग ख़त्म हो गया,
निंजा के अंदर और यहाँ पर जो पेट्रोल है वो डल रहा है 1184.2। भाई कैसी रही रात? छोड़ के चले गए ना? अरे आके देखो आके भाई, भाई इनकी आके देखो यार, नींद भरी है पूरी तरह से। ठीक है देखो भाई, ये रहे बढ़िया, ये देखो अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने, अच्छा नहीं किया हम लोग तो भाई, मस्त उठ के चाय वाय पी के आए हैं, बढ़िया भाई। इधर फुल एंजॉयमेंट चल रहा है, पार्टी चल रही है, चैलेंज चल रहा है चैलेंज, और हमारा चल रहा है मजे। जयपुर तो भाई जयपुर घूम रहे हैं अभी, जल में हिल जाऊंगा फिर हवा में हिल जाऊंगा। और गाइस हमारे ठीक पीछे है हवा महल, और वो लोग चले गए आगे, बहुत ज्यादा आगे, हम रह गए पीछे। पानी चाहिए, दोस्तों इस साइड में ये है जल महल, जयपुर का जल महल जो कि पानी के बीच में बना हुआ है। और सुबह सुबह कम से कम ट्रैफिक तो नहीं है यार जयपुर के अंदर, रोड मस्त है यार। और गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं आमेर के किले पे, जो कि है शानदार किला। यहाँ पे मुझे बहुत तेज सूसू लगी हुई है पिछले एक घंटे से, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि अभी तक हम एकदम भीड़ वाले एरिया में थे। मैं कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं बाइक भी ले आ सकूँ और कोई भी ना हो, क्योंकि अब कोई ऑप्शन नहीं है भाई, बाइक को तो छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। भाई अब हम लोग खाएंगे पोहे, तो भाई यहाँ पर पोहा आ चुका है और ये लोग तो खाने भी लग गए हैं। तूने नहीं लिया? पेट खराब हो रहा है, पेट खराब हो गया। तो गाइस पोहा खा के शायद थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। तो भाई खाना पीना हो गया है, पोहा वगैरह, और अब जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे, यानी कि लंबी राइड के ऊपर हाईवे पे। बिना थोड़े से चले रहा, बाइक चेंज कर दी है बिना छोड़े हुए। और भाई मुझे जो है बार बार ये जो बाइक है ये इन लोगों से उधार लेनी पड़ती है। तो गाइस 100 किलोमीटर कंटिन्यू बाइक चलाने के बाद में अब हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पर गन्ने का जूस पीने के लिए। 100 किलोमीटर कंटिन्यू चले हम, तो भाई गन्ने का जूस थोड़ा ठंडा बनवा दिया यार। और अब हमारा जो चैलेंज है वो बचा है सिर्फ एक घंटे का। गाइस हमको 23 घंटे हो चुके हैं सोचो बाइक के ऊपर हम बैठे हुए हैं। देखो सब लोग जो है बाइक से टच है, हाँ घर का एक घंटे ज़्यादा है, लेकिन हमारा चैलेंज घर पहुंचने से पहले ही पूरा हो जाएगा। गाइस अब जो है सिर्फ 15 मिनट बचे हैं हमारा ये चैलेंज कंप्लीट होने में, और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है 2 मिनट के लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए, हाईवे से उतर चुके हैं फिलहाल। भाई साहब गाइस जैसे कैसे करके ये जो चैलेंज है, अरे आ जाओ इधर आ जाओ। भाई साहब हालत खराब हो गई है बिल्कुल, आवाज आ रही है मेरी, मेरा माइक वाइक इधर उधर घुस गया भाई, कुछ बोलने की हालत ही नहीं है। और एक्चुअली में हुआ कुछ ऐसा है कि हमने डिसाइड किया कि घर के पास ही पहुंच जाते हैं, और इसीलिए जो चैलेंज है 24 घंटे से बढ़ करके हो गया 24 घंटा 30 मिनट। 24.5 घंटे हमें इस बाइक के ऊपर हो चुके हैं, और ये पहला चैलेंज था कि हम लोग 24 घंटे से भी ज़्यादा 24.5 घंटे तक बाइक के ऊपर रहे। भाई हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, हर जगह दर्द हो रहा है, और अब जो वो टाइम आ चुका है भाई, तो गाइस अब बाइक को छोड़ सकते हैं। ये कंप्लीटेड गाइस, चैलेंज कंप्लीट हो गया।
अरे ये स्क्रैच तो चलते रहेंगे भाई, कल बाइक गिर गई यार, उसमें भी बच गई। और यार हालत ऐसी हो रखी है, बिल्कुल ख़राब हालत यार। तो दो मिनट खड़ी रहने दो यार। भाई हाथ पैर कुछ हिल ही नहीं रहा ढंग से यार। भाई मुझे लग रहा था कि ये जो चैलेंज है, रात को लग रहा था कि गड़बड़ ना हो जाए, छूट ना जाए हाथ। लेकिन जैसे कैसे करके हम लोग बैठे रहे, हाँ, और 24.5 घंटे बाइक पर बिता दिए। लास्ट के जो 18 घंटे थे जिसमें हमने बाइक को, मतलब बाइक को छोड़ा नहीं एक बार भी, वो यार बहुत ज़्यादा टफ थे। नहीं तो थोड़ा इजी हो सकता था। कपड़े काले पीले हो गए, काले हो गए कपड़े भाई, क्योंकि गाड़ी के अंदर तो नहीं होते लेकिन बाइक पे पूरी मिट्टी डस्ट लगती रहती है, तो ये हालत हो चुकी है। अब गाइस मेरे तो उठने का ही मन नहीं कर रहा, चला ही नहीं जा रहा, पैर लड़खड़ा रहे हैं यार। तो गाइस 24 आवर्स ऑन बाइक, सुपर बाइक कंप्लीट हो चुका है। अब यार अभी तो घर भी जाना है इसीलिए। तो गाइस सब लोग वीडियो के लिए अब लाइक का बटन दबा देना। मैं थोड़ा सा एनर्जी में नहीं हूँ, उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग नहीं हो। गाइस चैलेंज कंप्लीट हो गया, 24.5 घंटे हो गए। तो सब लोग लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और क्या चैलेंज करना है जरूर से बता देना। तो आज के लिए इतना ही गाइस, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।